Hello everyone, my name is Arjay Agam. I hope you guys are in fun. First of all, I would like to say thank you to all those people who watch my videos and I greet all those people who subscribe to my YouTube channel. Today I am going to solve exercise 31 from Oxford Current English Translation. I hope you will watch the complete video and please don't forget to subscribe. पहला अनुवाद है आप एक कवि हैं तो पहले सब्जेक्ट लिख लेना है। अब चूंकि मुख्य क्रिया के रूप में है इसलिए सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता है यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब जो कम्प्लीमेंट है कवि यह एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। ए पोएट, आप एक कवि हैं, यू आर ए पोएट। अब ए का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यह क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है पोएट में, ठीक है, पोएट कॉन्सोनेंट साउंड है। अब आप एक आदर्श कवि हैं तो पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग कर लेंगे चूंकि मुख्य क्रिया के रूप में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जो कम्प्लीमेंट है वह क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और कम्प्लीमेंट के ठीक पहले क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के ठीक पहले एन का प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव के अनुसार, ठीक है। आप एक आदर्श कवि हैं, यू आर एन आइडियल पोएट। यहाँ पर एन का प्रयोग इसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से होगा। यदि इसका प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन यदि वोवेल साउंड है तो एन का प्रयोग करेंगे, यदि कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब है आप एक प्रसिद्ध कवि हैं, यू आर ए फेमस पोएट। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के ठीक पहले एन का प्रयोग होगा। एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किए। आप एक शिक्षक हैं, यू आर ए टीचर। टीचर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से एन का प्रयोग किया गया, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है। आप एक ईमानदार शिक्षक हैं, यू आर एन ऑनेस्ट टीचर। अब यहाँ पर ध्यान देना है टीचर तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले क्या है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के ठीक पहले एन का प्रयोग किए हैं। चूंकि यहाँ पर वोवेल साउंड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वोवेल साउंड है इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किए हैं। आप एक बेईमान शिक्षक हैं, यू आर ए डिसऑनेस्ट टीचर। यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए का प्रयोग किए। आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, यू आर ए वेरी गुड टीचर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन टीचर है, टीचर के ठीक पहले इसका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के ठीक पहले एडवर्ब है तो एडवर्ब के ठीक पहले एन का प्रयोग होगा। एडवर्ब के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से यहाँ पर इसका कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए ए का प्रयोग किए हैं, ठीक है। अब है वह एक धनी व्यक्ति है, ही इज ए रिच मैन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए का प्रयोग किया। वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसका ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन चूंकि वोवेल साउंड है इसलिए एन का प्रयोग किए। तुम एक तेज विद्यार्थी हो, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का जो प्रोनाउंसिएशन है वोवेल साउंड है इसलिए एन का प्रयोग किए।
अबे यह एक लाल कलम है। दिस इज ए रेड पेन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये इसका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट साउंड है, इसलिए ए का प्रयोग किए। वह एक मजबूत बैल है। दैट इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्स। यह एक अच्छी पुस्तक है। दिस इज ए गुड बुक। बुक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। गुड इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव के ठीक पहले ए का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एडजेक्टिव जो गुड है इसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट साउंड है। ठीक है, अब है तुम एक ईमानदार लड़के हो। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के ठीक पहले एन का प्रयोग एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से होगा। चूंकि यह वोवेल साउंड का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर है, इसलिए एन का प्रयोग किए हैं। वह एक आदर्श अभिनेता है। He is an ideal actor। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के ठीक पहले एन का प्रयोग होगा और इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड है एडजेक्टिव का, तो एन यहाँ पर लगाएंगे। अब है राम बाबू एक अच्छे कलाकार हैं। राम बाबू इज ए गुड आर्टिस्ट। आर्टिस्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, और जो गुड का प्रोनाउंसिएशन है कंसोनेंट साउंड है, इसलिए ए का प्रयोग किए। वे एक आदर्श कलाकार हैं, तो यहाँ पर जो वे है आदर्श सूचक है। ठीक है, इसलिए ही का ही प्रयोग करेंगे। ही इज एन आइडियल आर्टिस्ट। वे एक आदर्श कलाकार हैं, वे आदर्श सूचक है, इसलिए ही इज एन आइडियल आर्टिस्ट। चूंकि यह क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यह एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के ठीक पहले एन का प्रयोग इसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से करते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आइडियल का क्या है, वोवेल साउंड है, इसलिए एन का प्रयोग किए हैं। यह एक सुंदर छाता है। दिस इज ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट साउंड है, इसलिए ए का प्रयोग किए। यह एक बहुत सुंदर छाता है। दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। यह एक बहुत सुंदर छाता है। दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके ठीक पहले एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के ठीक पहले क्या है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब के ठीक पहले एन का प्रयोग करेंगे। एडवर्ब का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, एडवर्ब का प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। अब है यह एक काला छाता है। दिस इज ए ब्लैक अम्ब्रेला। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के ठीक पहले एन का प्रयोग होगा, और चूंकि एडजेक्टिव जो ब्लैक है इसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट साउंड है, इसलिए ए का प्रयोग किए। अब यह काली स्याही है। दिस इज ब्लैक इंक। यहाँ पर ध्यान देना है, इंक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यह गंदा पानी है। दिस इज डर्टी वाटर। यह गंदा पानी है। दिस इज डर्टी वाटर। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यह सरा अंडा है। दिस इज ए
रोटेन एग, एग क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और रोटेन क्या है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव के ठीक पहले ये आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, चूंकि एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर क्या हो रहा है कंसोनेंट साउंड है इसलिए ए का प्रयोग किए। यह मीठा सेब है, दिस इज ए स्वीट एप्पल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है एप्पल और स्वीट क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव के ठीक पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, चूंकि स्वीट का प्रोनाउंसिएशन क्या है कंसोनेंट साउंड है इसलिए ए लगाए हैं। यह मीठा सेब है, दिस इज ए स्वीट।